जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में होगा फैक्टराइज, ठीक है। और ये चार पार्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें से फर्स्ट और फोर्थ आर सिमिलर एंड सिंपल, और सेकेंड और थर्ड में हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। हाँ, और फैक्टर थ्योरम हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, अभी हम पढ़ाते समय और इसको रिवाइज करवाएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हेयर इट इज़, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट। इसमें क्या किया, सिंपली मैंने शुरू के दो टर्म्स और पीछे के दो टर्म्स को कंबाइंड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स को कंबाइंड किया तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या एक्स माइनस वन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, माइनस वन, क्या बच गया एक्स माइनस टू। अब x माइनस टू का ब्रैकेट जो है ना बेटा, वो दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है, इन दोनों में x माइनस टू का ब्रैकेट कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस वन। हाँ, अभी सवाल बाकी है भाई, x माइनस टू ये वन है ना, वन को लिखेंगे हम वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, है ना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो ये आपके हो गए फैक्टर्स, गॉट इट। पार्ट नंबर टू, ये रहा पार्ट नंबर टू बेटा, इसको ध्यान से देखो। इसका जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम साइड में लिख लेंगे। जैसे कि इस माइनस को नहीं देखना है, केवल न्यूमरल को देखना है, फाइव को देखना है। फाइव वन से डिवाइड होता है, अगर माइनस वन से चाहें तो माइनस वन से भी डिवाइड हो जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा। फाइव से डिवाइड होता है, वन आता है, माइनस फाइव से चाहें तो माइनस वन आ जाएगा, डिवाइड तो होगा। तो हमारा आंसर इन चार में से किसी एक को लेने से आएगा। तो मैंने पहले वन लिया, ऑब्वियसली हम जो पहले आया उसको लेंगे ना, तो पी वन, हम सबसे पहले पी वन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स की जगह वन रखते गए, है ना। तो ये आ गया, जब मैंने ये देखा तो ये तो माइनस सिक्सटीन था, ये ज़ीरो नहीं था, मतलब ये अटैम्प्ट अपना बेकार गया। सेकेंड अटैम्प्ट हम लेंगे माइनस वन के लिए, अब हम एक्स के प्लेस पर रख देंगे। इन्होंने पॉलिनोमियल का नाम नहीं लिखा था, मैंने अपने मन से पी एक्स लिख दिया, तो माइनस वन ले लिया, ठीक है। एक्स के प्लेस पर माइनस वन, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने माइनस वन ले लिया। माइनस वन का क्यूब माइनस होता है, फिर माइनस वन का स्क्वायर प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सब हो गया है ना। तो फाइनली मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, और जब रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य आता है तब हम जिससे भाग दे रहे थे वो उसका गुणनखंड कहलाता है। हमने क्या मान रखा था x का, हमने रखा था माइनस वन, माइनस वन इधर ले आओ। इससे हमें ये पता चल गया कि x प्लस वन दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। Therefore, x, देखो हमने x इज इक्वल टू माइनस वन रखा, इसीलिए गुणनखंड कौन बनेगा, x प्लस वन, हम ये चर्चा पहले कर चुके हैं। x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर ये फैक्टर है तो प्रैक्टिकली डिवाइड करके भी देखते हैं कि क्या सच में ज़ीरो आ रहा है कि बस हम ऐसे ही बुद्धू बन गए। तो ये आपका पी एक्स था ना, इस पी एक्स को हम x प्लस वन से भाग दे रहे हैं। भाग देना आपको आता होगा, ये x है, ये x क्यूब है, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर करने से आ गया एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को वन से किया तो एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस किया ये कैंसिल, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ऐड हो गए, ये क्या बन गए, ये बन गए माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। देखो बेटा दोनों कॉपी होते हैं, ये अरिथमेटिक नहीं है, ये एलजेब्रा है, बीज गणित है, इसमें ये पूरे कॉपी होते हैं। अब पहला टर्म क्या है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, मेरे पास क्या है एक्स, एक्स का मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो मैं माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर एक्स। फिर जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों के चिन्ह पलट गए, ये कैंसिल हो गया, माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स से आएगा माइनस फाइव एक्स, और ये माइनस फाइव मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए माइनस फाइव एक्स, मेरे पास क्या है एक्स, बहुत सिंपल है, मुझे माइनस वन से गुणा कर देना चाहिए।
तो ये माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, फिर जब मैंने माइनस करने की सोची तो फिर से चिन्ह पलट गए, ये कैंसिल और देखिए ये आ गया ज़ीरो। ठीक है, अब मेरा उद्देश्य इसको डिवाइड करके चेक करना नहीं था बेटा, अब मेरे को इसके आगे क्या करना है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब इसको देखिए आप, दिख रहा है आपको, यस, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आप जानते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो अब ये हो गया x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव प्लस ज़ीरो, क्लियर। अब आपको पता है ना कैसे गुणनखंड होंगे इसके, 5 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें घटाने से 4 आ जाए, 5 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको घटाने से 4 आ जाए, तो 5 और 1 इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए माइनस 4x, तो मुझे 5 को बड़ा रखना पड़ेगा और 1 को छोटा, तो माइनस 5x प्लस 1, मतलब बड़े वाले को ऋणात्मक रखना पड़ेगा और छोटे वाले को धनात्मक, ये कहना चाह रही थी मैं। प्लस 0 तो लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बनाती हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, है ना, तो क्या रहा x माइनस फाइव, इन दोनों में से क्या कॉमन है 1, क्या रहा x माइनस फाइव, तो अब ये हो गया x प्लस 1, है ना, इन दोनों में से कॉमन आ गया ना x माइनस फाइव, और यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या रह गया 1। ठीक है बेटा, तो ये आपके फैक्टर यानी गुणनखंड हो गए। तो प्लस वन को मैंने पास में लिख दिया और माइनस फाइव को पीछे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ पार्ट नंबर 3, ये भी गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम से ही होगा। एक्स क्यूब, और पता है बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कैसे, देखो अब इसको भी इन्होंने नाम नहीं दिया है, मैं तो लिख रही हूँ पी एक्स, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू दिस मच। अब 20 के फैक्टर्स बच्चों देखना, एक तो हो सकता है प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, 3 से नहीं जाएगा, प्लस माइनस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीधे 10 आएगा, 10 के बाद मुझे लगता है सीधे 20, इतने सारे हैं, ध्यान से देखना। अब आप कहोगे मैम हम तो पागल हो जाएंगे, इतने सारों से डिवाइड करके के चेक करेंगे क्या। अरे बच्चों ये देखो, ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव, है ना, तो प्लस का लिखने का तो मतलब ही नहीं है। आप यहाँ प्लस लिखोगे ये तीन उसका क्यूब हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा, और तो प्लस 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 जुड़ के कभी ज़ीरो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो ये प्लस वाले तो बेटा सब कैंसिल हो ही गए, आधा काम तो आपका आधा रह गया, है ना। और मुझे नहीं लगता हमको 20 तक जाना पड़ेगा, ये छोटे में ही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राई किससे करेंगे, माइनस 1, सो लेट अस ट्राई माइनस 1। अब ये x क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 क्यूब हो जाएगा, 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, ये माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, देखें क्या, हाँ लग तो रहा है मुझे 1 और 32 ऐड होके हो गए माइनस 33, और 13 और 20 हो गए 33, तो देखिए आ गया ज़ीरो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया ज़ीरो। कितना भी लंबा रास्ता हो आपको पहला कदम तो चलना ही पड़ता है ना, कितने भी लंबे रास्ते की शुरुआत पहले कदम से ही होती है, तो पहले ही पे अपन डर जाएंगे तो कैसे चलेगा। देखो पहले सारे पॉजिटिव वाले चले गए, अब माइनस से हमने ट्राई किया तो फर्स्ट में हम सक्सेसफुल हो गए। अब देखो बेटा आपने क्या रखा था, एक्स बराबर माइनस 1 रखा था, ठीक है, तो सिंस पी माइनस 1 क्या आ गया आपका ज़ीरो, देयरफोर एक्स प्लस 1 विल बी द, और ए भी लिख सकते हो, विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक फैक्टर है ये, है ना। सारे अभी देखो ये तीन घात का है ना, त्री घात ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तीन फैक्टर होंगे बेटा, और अभी हमें सिर्फ एक मिला है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, देयरफोर एक्स प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, और इंग्लिश वाले द की जगह अ लिख लो, अ बेटर, विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अभी हमें सिर्फ एक फैक्टर मिला है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आपको याद है नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि वी हैव टू डिवाइड, ये देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं, डिवाइड करना है एक्स क्यूब
प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। और हमारा फैक्टर क्या डिक्लेयर हुआ था? हमारा फैक्टर डिक्लेयर हुआ था एक्स प्लस वन। हम एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे। ये एक्स क्यूब है, क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस, ये कैंसिल है ना। 13 माइनस वन किया तो क्या आया? 12x², ऊपर से ये दोनों कॉपी कर दिए, 32x प्लस 20। अब ये 12x², ये x केवल, तो ये क्या हो गया? 12x। ये हो गया 12x² प्लस 12x, ठीक है, माइनस माइनस, ये कैंसिल। 32 में से 12 गया तो बचा 20x प्लस 20। एक्स को 20x प्लस एक्स 20x बनाना है तो 20 से हमने कर दिया डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई। तो अभी जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी कैंसिल, लीजिए ये आ गया ज़ीरो। वो तो खैर आना ही था, बट हमको उसके आगे का प्रोसीजर चाहिए इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। यहाँ पर आप उस स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। वो लिखने के बाद पहले भाजक आपका क्या है? आपका भाजक है एक्स प्लस वन, ठीक है, और आपका भागफल यानी कि क्वोशेंट कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 20 प्लस 0, क्लियर। अब ये हो गया एक्स प्लस वन, है ना। अब 20 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको जोड़ने से 12 आ जाए। 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 दिख रहा है मुझे, बट मेरी आदत हो गई है करने की, हालांकि गलत बात है। ओ ओ 4, देखो करते करते गलत ही हो गया, 4 इंटू 5। तो 2 और 10 ये ऐसे फैक्टर हैं जिनका टोटल करने से हमें 12 मिलता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 12x है ना, प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। थोड़ी देर के लिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, आएगा x प्लस 10, इधर से कॉमन लेंगे 2, इधर से आएगा x प्लस 10, है ना। और अब ये क्या हो गया बेटा? x प्लस 10 आ गया कॉमन। क्या बच गया? x प्लस 2, सिस्टम से लिख दो थोड़ा सा बढ़ते क्रम में, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 आंसर। ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। अब कहते हैं ना हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, तो सच में पूछ रह गई है। फोर्थ पार्ट देखो कितना सिंपल है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ये सिंपल है, मैंने आपको शुरू में भी कहा। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से यहाँ से लिया मैंने y² कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ये हो गया 2y प्लस 1, यहाँ से लिया माइनस 1 कॉमन, यहाँ से भी क्या आ गया 2y प्लस 1। अब आप 2y प्लस 1 को कॉमन ले लो, y² माइनस 1, है ना। अब ये 1 क्या हो गया आपका? पिछले फर्स्ट पार्ट में भी किया था हमने, ये बन जाता है 1² है ना, y² माइनस 1² तो ये हो गया 2y प्लस 1। और a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, जो भी बेटा हम अप्लाई करते हैं ना उसको हमें साइड में मेंशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं ना उनकी कॉपी बहुत बारीकी से चेक की जाती है और फिर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.5 में, तब तक के लिए जय हिंद।